हम ही का एक योजना और देखेंगे भाजपा की, अगर ये भी इन्हीं की तरह हमें नहीं कुछ देती, आश्वासन में रखती है, अगली योजना में हम ऐसे ही गिरा देंगे जो जैसे ये पिछली गिराते हुए, या आज इनका नाम निशान नहीं, अगली योजना में हम ऐसे ही गिरा देंगे जो जैसे ये पिछली गिराते हुए, या आज इनका नाम निशान नहीं है। सरकार तो आरक्षण की मांग है हमारी, आरक्षण में ही हम लूटे पीटे बैठे जगह जगह। अच्छा, अरे भाई गरीबों का जाकत कहीं नौकरी भी मिल, नौकरी भी ना मिल रही भाई। अच्छा, है नहीं जो पढ़ लिख रहे हैं बेचारे भी नहीं घूम रहे। अच्छा, और भाई जो घसेरे में घास खोद रहे हैं भाई। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार सभी राजनीतिक पार्टी पूरी तरह मैदान में हैं। उसी क्रम में मुजफ्फरनगर में भी लगातार जो है कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, और भाजपा के साथ जयंत चौधरी के बाद लगातार छोटे दल भी पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब की बार भाजपा का नारा है कि 400 से ज़्यादा जो है उनको प्रत्याशी जिताने हैं, जिसको लेकर मुजफ्फरनगर में एक बड़ा सम्मेलन हुआ है जिसका नाम अति पिछड़ा सम्मेलन कहा जा रहा है, जिसमें कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए देवेंद्र कश्यप जो आज भाजपा में ज्वाइन हुए अपने कुछ लोगों के साथ में, और भारी संख्या में यहाँ पर जो है भीड़ देखने को मिली। हमारे साथ जो है कुछ लोग हैं मौजूद कश्यप बिरादरी से, उनसे जानेंगे क्या उम्मीद है उन्हें मौजूदा सरकार से, और उन्होंने जो पार्टी ज्वाइन की है वे किस तरह से जो है उसे समझते हैं, किस तरह की उनकी मांग है सरकार से, किस तरह उनकी डिमांड है। क्या नाम आपका? आपका नाम क्या है? धनपत है। अच्छा, आज एक सम्मेलन में आप आयोजित हुए हैं और देवेंद्र कश्यप ने भारी संख्या में जो है पार्टी ज्वाइन की है भाजपा, क्या मांग है, किस तरह देखते हैं? मांग है बस, सब साथ है, बिरादरी पूरी बिरादरी साथ है देवेंद्र की। अच्छा, हाँ सरकार से किस तरह की मांग है, क्या चाहते हो? सरकार तो आरक्षण की मांग है हमारी, आरक्षण में ही हम लूटे पीटे बैठे जगह जगह। अच्छा, लंबे समय से जो है देवेंद्र कश्यप जो है कांग्रेस में रहे और उन्होंने संघर्ष भी किया है, कई बार उन्होंने जो है सम्मेलन भी किए हैं, आज भाजपा में ज्वाइन करा है उन्होंने। भाई इन्हें कुछ मिल जाएगा और क्या है भाई। अच्छा, कहाँ से आप आए हैं? हम तो अड़ल आए थे भाई, आरक्षण की मांग है, आरक्षण बन नहीं रहा कश्यप का। अच्छा अच्छा, और क्या मांगते हैं सरकार से, क्या उम्मीदें हैं, किस तरह की आप चाहते हो कि कोई योजना ही मिले? अरे भाई गरीबों का जाकत कहीं नौकरी भी मिले। हाँ, नौकरी भी ना मिल रही भाई। अच्छा, है नहीं जो पढ़ लिख रहे हैं बेचारे भी नहीं घूम रहे। अच्छा, और भाई जो घसेरे में घास खोद रहे हैं भाई, हम चाहते हो ही कुछ। हमारे साथ युवा भी है, उनसे भी जानेंगे। क्या नाम है आप सम्मेलन में आए? विनीत कश्यप। कहाँ से आए? काकड़ से आए। अच्छा, क्या समझते हैं सम्मेलन में आए हैं, किस तरह चुनाव आ रहा है, क्या सोच समझ के जो है वोट दोगे? वोट तो जी अपना समझ गए तो अपना कुछ बिरादरी के पक्ष में हो सकता है। हाँ, इसलिए हम तो बिरादरी के साथ है जी, देवेंद्र कश्यप जी के जयतर भी है इधर ही हम है। 2024 का चुनाव बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका और सभी लोग आपके यहाँ वोट मांगने के लिए आएंगे, अब की बार जो है तस्वीर बदल गई, क्योंकि जयंत चौधरी के बाद आज देवेंद्र कश्यप जो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे वे आज भाजपा में शामिल हुए, आप क्या कहेंगे? हम तो जी ये कहेंगे, हम कश्यप समाज के आदमी हैं और कश्यप समाज 60 साल तक कांग्रेस के साथ रही, कांग्रेस को ऐसे ऐसे तरह गिरा दिया, अब उसका नाम नहीं गया। हाँ, फिर हम गए बहुजन समाज पार्टी में, उसने भी हमें आश्वासन दिया, उसने भी हमें कुछ नहीं दिया, आज देख लो वह कहाँ है। फिर गए हम उसमें अखिलेश में, वहाँ से उसने भी आश्वासन दिया हमें, उसने भी हमें कुछ नहीं दिया, और आज वो उसे भी देख लो कहाँ है। कश्यप समाज के जो है नेता मंत्री क्या देखना चाहते हो कि क्या मिलना चाहिए? हमें मिलना चाहिए जैसे आज हम इसी आधार पर हम इस भाजपा से जुड़े हुए हैं। हाँ, तीसरी योजना तैयार है। हाँ, हम ही का एक योजना और देखेंगे भाजपा की, अगर ये भी इन्हीं की तरह हमें नहीं कुछ देती, आश्वासन में रखती है, अगली योजना में हम ऐसे ही गिरा देंगे जो जैसे ये पिछली गिराते हुए, या आज इनका नाम निशान नहीं है। क्या काम करते हो आप? कोल्लू का भाई। अच्छा, कोल्लू का काम करते हो। उन्होंने मंच से बोला है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कि कोल्लू में जो है सुधारीकरण होगा, किस तरह देखते हैं? सरकार में मंत्री भी है और भाजपा सरकार में आप लोगों ने आज बीजेपी ज्वाइन कराई है। भाई अपना काम है कोल्लू बनाना, गंडा पेलना, ईख बांटना, मजदूर टाइप है। हाँ, बस यही काम है अपना, और तो कुछ काम नहीं है। क्या सरकार में कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सांसद वो नहीं होना चाहिए? हाँ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई।
बिरादरी का होना चाहिए, मना नहीं। क्या मानते हैं, उम्मीद है सरकार से जैसे आज भाजपा में जो भाई देखो वहाँ क्या है, देखो मिल तो लिए भाई देवेंद्र भी मिल गया बेचारा है, नहीं मैं तो मंडा भाई कुछ ना कुछ अपने भाइयों के लिए कुछ हो, इसी हिसाब से मंडा भाई हो। अच्छा, और भाई पब्लिक इसकी गेल है, इतना कांग्रेस रहा इसके हेर को कोई नहीं गया बेचारे के, अरे भाजपा मान लिया पूरी पब्लिक गेल है कुछ सबूत एक डब्बा एक कहने की जरूरत नहीं पड़े। अच्छा, अन्य संजीव सिंहासन उठ रहे थे बिल्कुल। संजीव बालियान जी, आप लोगों के पास पहले भी कभी गए होंगे, तो क्या लगता है पिछली बार वोट दी और अब की बार? संजीव बालियान जी एक है, अगर थारी सरकार है मिलकर हो सारे बस यहाँ आज देवेंद्र कश्यप भी जो है भाजपा में शामिल हुए हैं, भाजपा में शामिल हुए हैं, ये कह रहे भाई गठबंधन करो अपना और मुट्ठी बोझ करो सारे, तो उम्मीद है कुछ फायदा? उम्मीद तो है जी, देखो क्या करे सरकार। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर साफ तौर से भारी संख्या में जो कश्यप बिरादरी के लोग हैं उनका सीधा सीधा कहना है कि अब की बार जो है देवेंद्र कश्यप जो कांग्रेस में लंबे समय तक रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुजफ्फरनगर के कश्यप समाज के लोग उनके साथ जुड़े हुए थे और भारी संख्या में आज एक बड़ा महासम्मेलन यहाँ पर हुआ है जो कि अति पिछड़ा के नाम से जाना गया है, और जिसमें केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान खुद यहाँ पर उन्हें सदस्यता ग्रहण कराने के लिए आए थे, और यूपी सरकार में जो राज्य मंत्री है कपिल देव अग्रवाल भी उनके साथ मौजूद थे। अब की बार जो है कश्यप समाज का मूड भाजपा के साथ फुल फ्लैश है, और लगातार जो है भाजपा के कद्दावर नेताओं का कहना है कि अब की बार 400 पार, तो कहीं ना कहीं जो है कश्यप समाज का भी जो समर्थन है भाजपा को एक बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है। अमित कुमार।